बड़वानी जिले में मकान निर्माण के दौरान हुई खुदाई में तांबे के घड़े में चांदी के सिक्के मिलने की जानकारी ट्रैक्टर मालिक ने प्रशासन को नहीं दी थी। पुलिस ने पूछताछ में हुआ खुलासा कर 14 लाख रुपए मूल्य के 27 किलो के लगभग चांदी के सिक्के ट्रैक्टर मालिक से जब्त किए हैं। SDOP रेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि झंडा चौक पर एक पुराने मकान की खुदाई के दौरान यहां पर काम कर रहे मजदूरों को खुदाई में एक तांबे का घड़ा मिला जिसमें प्राचीन काल के सिक्के भरे हुए थे, जिसके बाद मजदूरों ने इसकी जानकारी कैलाश धनगर को दी। कैलाश ने सिक्के मिलने के बाद प्रशासन से छुपाते हुए सिक्के खुद छुपा दिए, जिसके बाद पुलिस को मुखबिरी सूचना मिली। पुलिस ने कैलाश धनगर को सिक्के के संबंध में पूछताछ की और पुलिस को गुमराह करने लगा। उसके बाद उसकी मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उसके सिक्के मिलने की बात कबूले, जिसके बाद पुलिस ने घड़े सही सिक्कों को जब्त कर लिया है। सिक्कों का वजन कुल 27 किलो 300 ग्राम है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। सिक्कों पर प्राचीन मुगल और अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जो संभवतः प्राचीन काल के ही हैं। पुलिस ने सिक्कों की जानकारी छिपाने के आरोप में कैलाश धनगर के खिलाफ IPC की धारा 1878 के तहत 4 और 20 के तहत कार्यवाही की है। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। ये कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत झंडा चौक पर एक पुराने मकान का डिमोलिशन का कार्य हो रहा था और वहाँ पर एक तांबे के घड़े में चांदी के सिक्के मिलना पाया गया और उक्त व्यक्ति द्वारा इसके संबंध में किसी को कोई सूचना ना देकर अपने घर पर इसे छुपाकर रखा गया। बाद में मुखबिर सूचना पर कोतवाली थाने की टीम द्वारा कार्रवाई की गई और लगभग 27 किलो वजनी चांदी के सिक्के, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपये है, बरामद किए गए। ये लगभग 2-3 दिन पहले की बात है, उसके बाद मुखबिर सूचना मिली और इन्हें कल बरामद किया गया। कौन से पुरातन काल के होंगे, किस सन के होंगे? इसमें लगभग अरबी फारसी भाषा में लेख है, तो पुरातात्विक काल के हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।